हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन 2D के पार्ट के अंदर। ये आपके लिए फ्री क्लास के अंदर क्लास नंबर 39 है। इससे पहले 38 क्लास हो चुकी हैं, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट आपको ये सारे के सारे टॉपिक जो मैथ के देख रहे हैं, आप इनको चेक कर लो, वीडियो को पॉज करके सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। और अगर रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, उसका भी कोर्स मैंने फ्री में आपको कंप्लीट करवा रखा है, जो कि है वर्बल रीजनिंग, जो CFF में ज्यादा आती है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जाकर आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस YouTube चैनल के ऊपर जाके वहां पे प्लेलिस्ट को चेक करो। प्लेलिस्ट में आपको नॉन वर्बल रीजनिंग लिखा हुआ मिलेगा, वो सेशन FCAD के लिए है, बट CAPF के लिए भी सेम ही है। नॉन वर्बल CAPF के लिए, FCAD के लिए, SSC के लिए सेम होती है, तो वो मैंने आपको अलग से करवा रखी है, वो आपके हर एक एग्जाम के लिए है। प्लेलिस्ट में आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। और इनकी सबकी PDF आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी। टेलीग्राम की जब आप ज्वाइन कर लोगे, तो वहां पे ज्वाइन करने के बाद वहां पे ऊपर ऑप्शन आएगा सर्च का, तो सर्च करके आप कोई भी PDF है टॉपिक वाइज वहां से चेक कर सकते हैं। आपको फ्री में PDF अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे आपके डाटा वहां पे अवेलेबल है। और अभी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला पॉइंट। पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो पहले से आपको मैंने कल वाले सेशन में आपको दो चार कंसेप्ट करवा दिए थे, लाइक ट्रायंगल के रिलेटेड, ट्रायंगल क्या होती है, इन रेडियस क्या होता है, ये सारा मैंने कल करवाया है। आज हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है हमारे पास सर्कल का, उसके बाद वाला पॉइंट आएगा मेरे पास क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होता है, स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, फिर रोम्बस, रोम्बस पैरेलोग्राम और ट्रेपेजियम। ये पांचों के पांचों पॉइंट और एक हमारा सर्कल का पॉइंट है। तो आज इसका बेसिक, बट बेसिक इम्प्लाई करना आना चाहिए कि कैसे कैसे हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इनके अप्रोच होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो सारा कुछ, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो सबसे पहले सर्कल के बारे में। मान लेते हैं आप में से किसी भी स्टूडेंट को अभी के लिए सर्कल नहीं आता, तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट सर्कल आपको समझ आएगा। अगर हम सर्कल की बात कर लेते हैं, तो इसका एक सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर पॉइंट से अगर मैं इक्वल दूरी के ऊपर एक बिंदुओं को लगाना शुरू कर दूं, डॉट को लगाना शुरू कर दूं ऐसे, और इन डॉट को अगर मैं मिला दूंगा, तो मिलाने के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास, एक सर्कल। एक्चुअली में इनकी जो दूरी है वो सेम होनी जरूरी है, और ये जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, रेडियस बोलते हैं। और अगर रेडियस को मैं यहाँ पे डबल कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, डायमीटर। इतना सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डायमीटर के तक आपको ये वाला पॉइंट हर एक बच्चे को आई होप पता है, बट अगर मैं यहाँ पर आप सभी डायमीटर का मतलब रेडियस का डबल कर देंगे, तो ये मेरे पास ए से लेकर बी तक क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। अब मैं यहां से लेकर यहां तक एक लाइन क्लिक करता हूं, तो इस लाइन का मतलब क्या होगा, सीडी को क्या बोलेंगे। सीडी है, डायमीटर तो है नहीं, क्योंकि डायमीटर हमेशा सेंटर से निकलेगा, CD is not a diameter, तो CD हमारे पास क्या होगा, CD हमारे पास एक कोड होगा। कोड का मतलब है सर्कल के अंदर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक, दूसरे सर्कमफेरेंस तक के टच होना, और लाइन बाहर ना जाए, यहीं तक रहे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। तो दिमाग में आएगा कि हमारे पास जो डायमीटर है वो भी कोड है, बिल्कुल, जो हमारे पास डायमीटर है वो भी कोड है, और वो सबसे बिगेस्ट कोड होगी कोई भी सर्कल का, बिगेस्ट कोड होगी कोई भी सर्कल का, वही हमारे पास क्या होगा, डायमीटर। और अगर मैं यहाँ पर इस लाइन से यहाँ पे क्लिक करके इसको आगे ले जाऊं, या फिर इधर को आगे ले जाऊं, तो इस लाइन को हम यहाँ पे कोड नहीं बोलेंगे, इस लाइन को हम बोल देंगे सीकेंट, क्लियर। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको यहाँ पे नाम वाइज है वो पता होना चाहिए। और सर्कल का एरिया क्या होता है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ, और थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा आपको, अगर कुछ भी नोट करना है आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अगर कुछ आपको जो मैंने बोला है वो ना समझ आएगा तो बैक करके आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर्कल, तो सर्कल का एक हमारे पास होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर को क्या बोलते हैं हम, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, याद रखेंगे आप, ठीक है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, यहां पर मैं यहां से लेकर इसकी दूरी के ऊपर चलता हूं, और यहां पे मैंने मान लो एक वायर को हैंडल करना है, वायर लगानी है बाउंड्री के ऊपर, या फिर मैंने पैदल चलना है सर्कुलर पार्ट के अंदर, पैदल चलना चाहता हूं सर्कुलर पार्ट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। और ये क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है, पूरे सर्कल का। और अगर मैं बात करूं इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया हमारे पास यहाँ पे मैं इसके ऊपर पेंट करना चाहता हूँ या फिर स्टार मार्क करना चाहता हूँ, तो ये स्टार जो है यहाँ पर मैं ऐसे करते करते पेंट वाइज ऐसे मार्क कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एरिया। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, πr² स्क्वायर होता है, क्लियर है। ये दो पॉइंट आप सभी बच्चों को जो है वो पता होने जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, आप इनको नोट कर लो प्रॉपरली। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है कि अगर हमारे पास यहाँ पर, इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक हमारे पास होता है सेगमेंट, काफी बच्चों को सेगमेंट नहीं पता, एक होता है सेक्टर, काफी बच्चों को सेक्टर पता है, ठीक है, दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं। पहले हम सेक्टर के बारे में कर लेते हैं कि सर्कल का सेक्टर क्या होता है।
सेक्टर हमारे पास देखो ये वाला हमने सर्कल डिनोट किया, यहां से अगर मैंने पॉइंट यहां पे मिला दिया और यहां से मैंने एक पॉइंट यहां से मिला दिया, तो ये मैं ऊपर वाले पार्ट को छोड़ दूंगा। नीचे वाला पार्ट अगर मान लो कि यहाँ पर क्या है, थीटा बेस्ड है, तो ये वाला जो हमारे पास ए ओ बी है ना, तो हमारे पास जो ए ओ बी है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सेक्टर है। क्लियर हो गया डाटा, ये आपको पता होना जरूरी है ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा सा डाटा भी आपको यहाँ पे ओरिजिनली पता चले कि ऐसे ऐसे सेक्टर बनाए जाते हैं। ठीक, सेक्टर के ऊपर दो तीन तरीके क्वेश्चन आएंगे, बट आपको सेक्टर के बारे में थोड़ा सा और पता होना चाहिए। जो बड़े वाला पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, मेजर सेक्टर। जो छोटे वाला पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, माइनर सेक्टर। क्लियर, ऐसे ही हमारे पास एक सेगमेंट होता है। सेगमेंट क्या होता है, जो हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के अलावा अगर मैं यहाँ पर एक कोड डिनोट कर दूं, ये हमारे पास ए से बी तक हमारे पास क्या है, एक कोड है। कोड जो है वो सर्कल से बाहर नहीं जाती, ठीक है। सो कोड के जो नीचे वाला ये वाला पॉइंट है इसको क्या बोल देंगे, सेगमेंट, और छोटे वाले को क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले को क्या बोलेंगे हम, मेजर सेगमेंट। ये भी आपको डाटा है पता होना चाहिए। CAPF के अंदर माइनर सेगमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, क्या क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मैं फिर से कैलकुलेशन लेकर आता हूं यहां पर सेक्टर की। सेक्टर की अगर मैं बात करूं, यहां पे एक सर्कल है, मैंने सेंटर से डिनोट कर दिया, मैंने आपसे पूछ लिया कि ये वाला थीटा है, तो बताओ ये वाले जो हमारे पास सेक्टर है इसका ये वाला एरिया कितना होगा। तो हमें पता है कि पूरा का पूरा एरिया जो होता है वो 360 डिग्री का है, क्योंकि ये चीज तो आपको मैंने पॉलीगन के अंदर भी बताई है कि एक सर्कल है उसका एरिया, उसका जो हमारे पास एंगल होगा 360 डिग्री होगा। कैसे, हम यहाँ पर ऐसे हम एक लाइन डिनोट कर लेते हैं, ये वाला 180 डिग्री का होता है, तो इधर से भी 180 डिग्री होगा, तो हमारे पास सर्कल क्या होगा, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का जो एरिया होता है पूरे सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे हमें थीटा का फाइंड करना है, तो थीटा का एरिया क्या होगा, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। वी हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज द एरिया ऑफ ए सेक्टर वेयर थीटा इज ए 10 डिग्री 20 डिग्री 60 डिग्री एनीथिंग, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। आफ्टर दैट अगर मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पर ए से बी तक हमारे पास जो है पॉइंट, इसको डिनोट करो कि ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो आर्क है। देखो एक आर्क होती है, तो ये वाला पॉइंट भी समझ लो, ये वाला आपके पास पॉइंट है माइनर आर्क का, और जो ऊपर वाली ये वाली आर्क बची हुई है ये वाली क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, मेजर आर्क। क्लियर है डाटा, अगर हम यहाँ पे माइनर आर्क और मेजर आर्क को जान या पहचान पाए हैं, तो माइनर आर्क के बारे में थोड़ा सा डाटा और पढ़ लेते हैं अभी, कि माइनर आर्क की लेंथ पूछ ली जाए तो कितनी होगी, ये वाली लेंथ यहां से यहां, और बाउंड्री के ऊपर चलने को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो अगर मैं 360 डिग्री का सर्कमफ्रेंस चेक करूं तो 2πr होता है, बट अगर मैं यहाँ पे थीटा का चेक करूंगा तो क्या होगा, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2πr। इसका मतलब ये वाला डाटा क्या है, ये वाला डाटा है आर्क की लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला। काफी बच्चे इसको थीटा पाई आर एल ऐसे करके भी कर लेते हैं, बट आप इन्हीं चीजों को ध्यान में रखें, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। कोई बात नहीं, कई बार थीटा निकालना पड़ेगा, हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे भी होगा हम क्वेश्चन की वाइज वहां पे जो भी अप्रोच होगी वो लगा लेंगे, बट हमें ये याद रखना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं, कंसेप्ट नंबर सॉरी 15। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर मेरे पास सर्कल है और यहाँ पर मेरे पास एक आर्क है ए और बी। मैं माइनर सेगमेंट का आपको एरिया पूछ लेता हूँ, ठीक है। इवन हम इसका यहाँ पे पेरीमीटर पूछ सकते हैं, बट अभी के लिए मैं इस वाले डाटा का एरिया पूछ लेता हूँ, ठीक है। सो एरिया निकालने के लिए आपको सारा का सारा डाटा जो बताने वाला हूँ इसका रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, और ये CAPF के अंदर आया भी हुआ है क्वेश्चन, क्लियर। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक सेंटर होगा, सेंटर को अगर मैं यहाँ से मिलाऊंगा तो ये वाला क्या होगा इसका रेडियस, और ये भी वाला क्या होगा इसका रेडियस। यहाँ पे कोई ना कोई थीटा तो रहा होगा, 10 20 50 60 कोई ना कोई तो रहा होगा। और यहाँ पर ओ ए बी अगर मैं इसको सेक्टर मान लूं, आप चेक कर लो, अगर मैं इसको सेक्टर मान लूं, मैं इसको सेक्टर वाइज आपको करके दिखाता हूँ दूसरे कलर से। अगर मैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा मान लेता हूँ कि ये मेरे पास पूरे का पूरा क्या है, यहाँ पे ये पूरे का पूरा सेक्टर है,
पूरे का पूरा सेक्टर है तो सेक्टर का एरिया क्या होगा, सेक्टर का एरिया होगा थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्लियर है डाटा, ये डाटा आपको यहाँ पे पता हो गया, समझ आ गया। उसमें से सेक्टर में से अगर मैं ये वाला पार्ट आपको बाहर करने के लिए बोल दूं जो कि है ट्रायंगल का पार्ट, ट्रायंगल का पार्ट बाहर करेंगे तो क्या आपके पास एरिया ऑफ ए सेगमेंट बचेगा? तो हमने इसमें से ट्रायंगल का जो एरिया है बाहर करना है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू आर इंटू आर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ये मैंने आपको कल नहीं बताया होगा, मैं अभी बता रहा हूं, इसको नोट कर लो। कोई भी ट्रायंगल हमारे पास हो, ए बी सी, यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे स्मॉल बी, यहाँ पे स्मॉल सी, तो इसका एरिया क्या होगा अगर हमारे पास ये वाला थीटा गिवन है, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू ए इंटू सी मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। जो हमारे पास यहाँ पर ये दो साइड गिवन है, साइड के बीच वाला एंगल गिवन होना चाहिए, बात समझ आ रही है? तो आपके पास ये एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये वाली देखो, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, दोनों रेडियस है, बीच में थीटा पता है, तो यही फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू आर इंटू आर इंटू साइन थीटा। क्लियर? सो दैट इज द राइट आंसर। अब पेपर के अंदर ध्यान रखें, पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या है, पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है सीएपीएफ के अंदर, ओएबी के अंदर जो हमारे पास है, इसको मान लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड है वो एक यूनिट है, एक सेंटीमीटर कह सकते हैं, एक दो सेंटीमीटर कह सकते हैं, एक सेंटीमीटर। अगर एक सेंटीमीटर होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, थीटा बाय 360 डिग्री, और ऊपर से इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो थीटा भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। हर एक ट्रायंगल की अगर बात करें इक्विलेटरल की, तो हर एक एंगल 60 का होगा, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 इंटू आर का स्क्वायर इंटू साइन 60, और 60 इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बाय 6, और ये हो जाएगा मेरे पास पाई बाय 6 माइनस 1 बाय 2 इंटू आर का स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री कितना होता है, रूट 3/2। क्लियर? सो आफ्टर दैट यहां से आप सॉल्व करोगे, ये मेरे पास आएगा पाई बाय 6 माइनस रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इवन साइड आपके पास कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यही आपके पास उस क्वेश्चन का सही उत्तर है। डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकालना है वो निकाल सकते हैं, या फिर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये आएगा। क्लियर है? मतलब अगर ये चीज पता चल गया तो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है पेपर। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, 16 नंबर कंसेप्ट के ऊपर। जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको नोट करना आपकी जिम्मेवारी है, नोट करते रहोगे तो सारी चीजें इजिली समझ पाओगे। ठीक है, अब हमारे पास चलते हैं, एक होता है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब समझे, हमारे पास एक सर्कल है, दूसरा सर्कल यहाँ पे, और इसका सेंटर पॉइंट सेम है। सेंटर पॉइंट सेम को क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। क्लियर? और अगर आपसे कंसेंट्रिक सर्कल है, बड़े वाले का अगर मैं रेडियस की बात करूं तो वो है आर टू, छोटे वाले का रेडियस की बात करूं तो वो है आर वन, तो आपसे पूछ लिया जाएगा ये जो रिंग बनी है ना, रिंग, इसका एरिया बताओ। तो भाई एरिया निकालना तो आसान है ना, क्या आसान होगा, जो पाई आर टू का स्केयर है माइनस पाई आर वन का स्केयर कर दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को एरिया को बाहर करोगे, जैसे बड़ा वाला एरिया ये है, छोटे वाले को अगर मैं बाहर कर दूं तो बचा हुआ पार्ट क्या बनेगा, यही बचा ना रिंग आपके पास, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, रिंग का एरिया दे देंगे आपको और यहां से आर वन या आर टू पूछ लेंगे, तो आपने उस हिसाब से उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, कंसेप्ट नंबर 17। देखो इतना सा जो मैंने बताया है ये तो सीएपीएफ के अंदर आ चुका है, अब मुझे लग रहा है कि सीएपीएफ वाले एक कंसेप्ट या दो कंसेप्ट इससे आगे भी जा सकते हैं, तो उसके लिए एक टेंजेंट का प्रॉपर्टी नोट कर लो, अगर आया तो कर सकते हैं हम टेंजेंट की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है कि हमारे पास एक सर्कल है, टेंजेंट हमारे पास यहां से इसको टच करके ऐसे निकल गया, टेंजेंट का मतलब इतना सा होता है सर्कल से कहीं पे टच करके निकल गया। ठीक है, और अगर ये सर्कल से टच करके निकल गया और यहां से भी एक जो है सर्कल से ऐसे टच करता हुआ यहाँ पे ऐसे निकल जाए, ऐसे निकल जाए, और कहीं पे इनका मीटिंग पॉइंट होए, उसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे पी का, इसको नाम दे देते हैं ए का और इसको नाम दे देते हैं बी का। इसके ऊपर तीन प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी, टेंजेंट को अगर मैं सेंटर के साथ मिलाऊंगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। टेंजेंट को अगर सेंटर से मिलाओगे, सेंटर से मिलाओगे तो 90 डिग्री होगा ही होगा, कंफर्म है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर इसका यहाँ पे कॉमन यहाँ पे पॉइंट है बाहर, तो पी ए की जितनी लेंथ होगी वो पी बी के बराबर होगी, जितनी यहां से दूरी इसकी है उतनी दूरी इसकी होगी ही होगी, कंफर्म है ये। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी,
अगर मैं इसके यहाँ पे इसको सेंटर को मिला दूंगा यहाँ पर इसके साथ, तो जितना एंगल मेरे पास ये आएगा, मान लो कि ये मेरे पास x है तो ये वाला एंगल मेरे पास y है, तो x एंगल y के बराबर होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर CAPF के अंदर मुझे नहीं लग रहा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन या तो इसके ऊपर आएगा या फिर इसके ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लो। वैसे सर्कल की बात करें तो बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, बट उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है जो सभी बच्चे जो है वो याद रखेंगे। ठीक है, एक इसके बाद और प्रॉपर्टी है, वो भी आप सभी स्टूडेंट ने याद रखनी है, पार्ट नंबर 18 नंबर को सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 18 नंबर के अंदर अगर हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल के अंदर एक हमारे पास कोड ऐसे, दूसरी कोड ऐसे है, यहाँ पर इसको ऐसे बाहर कहीं पे मिल गई, जैसे कि हमारे पास ए से लेकर बी तक है और यहाँ पे सी से लेकर डी तक है। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान रखो, सी से लेकर डी तक है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट को हम यहाँ पे पी का नाम दे देते हैं। फिर से आप ध्यान रखो, हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पर एक कोड ऐसे है, दूसरी कोड ऐसे टच हो रही है, और यहाँ पर ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, ये वाला सी पॉइंट है, ये वाला डी पॉइंट है, और ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है। मैं सेंटर ऑफ द सर्कल बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, दो टाइप्स हैं कि अगर हमारे पास कोड जो है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है आउटसाइड द सर्कल, और दूसरा पॉइंट है अगर हमारे पास कोड है वो इनसाइड द सर्कल होगा तो कैसे करेंगे। अगर आउटसाइड है तो आपको यह ध्यान रखना है कि P से वैल्यू उठानी है। पहले आप P से B तक जा सकते हो, फिर आप P से A तक जा सकते हो, फिर आप P से D तक जा सकते हो, P से C तक जा सकते हो, और इनको मल्टीप्लाई करके इसके बराबर करना है आपने। ये वाला पॉइंट आप सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी आप चेक कर लो, P से लेकर A तक जाएंगे, फिर हमारे पास P से लेकर मल्टीप्लाई करेंगे P से लेकर B तक, फिर हमारे पास P से C तक मल्टीप्लाई बाय P से D तक। ये हमारे इस क्वेश्चन का रिजल्ट है। चार वैल्यूज हैं, एक दो तीन चार, यहाँ पे भी चार वैल्यूज हैं, चारों में से तीन दे देंगे और एक आपसे पूछ ली जाएगी कि ये वैल्यू बताओ कितनी है। क्लियर है, ये भी थोड़ा सा एडवांस लेवल है, अगर आप इसको पढ़ पाओगे तो इजिली आप समझ पाओगे, बट जब मैं CDS का कोर्स करवाऊंगा फिर आपको ये सारा का सारा याद रखना पड़ेगा और मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब चलते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 19 के ऊपर। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। देखो अभी मैंने सर्कुलर का जितना पार्ट बताया है वो तो आपने डेफिनेटली ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी पढ़ने बैठेंगे तो सर्कुलर बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा, बट आप जितना इतना बता रहा हूँ उतना नोट कर लो। क्वाड्रिलेटरल के अंदर स्केयर, रोम्बस, पैलोग्राम सारी चीजें पढ़ेंगे, तो सबसे पहली हेडिंग लगा लो अभी यहाँ पे स्केयर की। वैसे तो आपको मैं एक पॉइंट बता देता हूँ कि अननोन क्वाड्रिलेटरल भी होता है जिसका पता नहीं चलता कि स्केयर है, रोम्बस है, पैलोग्राम है, तो अननोन क्वाड्रिलेटरल भी कभी ना कभी हम यहाँ पे जब हमारा CDS का बैच आएगा वहां पे डिस्कस करेंगे। क्लियर, सो अभी हम यहाँ पे स्केयर के बारे में डिस्कस करते हैं। स्केयर का क्या मतलब होता है कि सारी इसकी जो साइड होती हैं वो बराबर होती हैं। मैंने मान लो यहाँ पर A, B, यहाँ पे C और D लिख दिया, तो इसकी ऑल साइड जो होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। हम इसको लिख देंगे A सेंटीमीटर के बराबर। और इसके जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे, वैसे तो क्वाड्रिलेटरल का कोई भी इंटीरियर एंगल होगा उसका सम 360 डिग्री आएगा। ठीक है, बट फिर भी आप यहाँ पे ये मेंशन कर लो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। कितने के होंगे भैया, फिर 90 डिग्री के, तभी 360 डिग्री बनेगा। क्लियर, इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे मिला देता हूँ, इसको बोलते हैं डायगनल, यहाँ पे मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, इसको बोलते हैं डायगनल, तो डायगनल जो होते हैं इसके बराबर होते हैं, बी डी इज इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, अब ये चीजें हर एक बच्चे को जो है इतनी सो पता है, इतना पार्ट तो हर एक बच्चे को पता होगा, बट कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि अगर हम यहाँ पर ए बी सी ऐसे लिख देंगे, मान लो मैंने ए से लेकर बी तक का डाटा जो है वो अपनी एग्जाम्पल वाइज यहाँ पे लिख दिया मैंने ए सेंटीमीटर, ठीक है, और बी से लेकर सी तक लिख दिया ए सेंटीमीटर, तो जब हमारे पास ये 90 डिग्री है तो सारे बच्चे जरा इसको ध्यान रखो कि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगाया जा सकता है, ए सी का स्केयर इक्वल टू ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर। तो हमने अगर ए सी की वैल्यू पूछ ली जाए तो वो क्या होगी, ए बी अगर ए का है तो ये भी तो ए का स्केयर होगा, तो ए सी का स्केयर किसके बराबर आएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्केयर, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, रूट टू ऑफ ए। क्लियर, सो याद रखें जो डायगोनल होता है ऑफ ए स्केयर वो रूट ऑफ टू इंटू साइड ऑफ द स्केयर होता है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इतना डाटा समझने के बाद अगर आप यहाँ पर मैं आपसे पूछ लूं कि चलो ऐसा तो चलो ठीक है, ये डाटा समझ आ गया आपको इतना सा, अब यहाँ पे साइड कितनी रखी थी हमने, यहाँ पर ए,
और मैं अगर आपसे डायगोनल पूछ लूं तो डायगोनल कितना है हमारे पास यहाँ पे रूट टू इंटू ए, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पर इन दोनों की रेशियो पूछूं तो ए से ए कट जाएगा, तो इन दोनों की रेशियो क्या आएगी, 1:2 आए, रूट टू आएगी। अब ए की बात करें तो ए तो हमने साइड रखी थी 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, वो ए से ए कट जाएगी। चाहे आने वाले जमाने में स्क्वायर की साइड है वो 1500 मीटर रख दे, कुछ भी रख दे, साइड और डायगोनल का जो रिलेशन है वो 1:2 ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या बनाया जाता है, दूसरा पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन आपके पेपर में ये बनाया जाता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर ए से लेकर सी तक जो है वो यहाँ पर एक मैं इसको एक दूसरे कलर से दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी हमारे पास एक स्क्वायर है, मैं ये कहता हूँ जो इसका डायगोनल है ए से सी, मैं वहां पर एक और स्क्वायर बना देता हूँ, जितनी ए से सी की लेंथ होगी स्क्वायर बनाऊंगा, तो ए से सी जितनी लेंथ में इधर को और इधर को और इधर को बना सकता हूँ। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा, जो हमारे पास एक रेड कलर वाली यहाँ पे स्केयर है और एक हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर वाली स्केयर है, तो इन दोनों के एरिया का रेशो क्या होगा या फिर साइड का रेशो क्या होगा। ऐसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ दोनों में, एक है रेड कलर वाली स्केयर, एक है ब्लू कलर वाली स्केयर, तो रेड कलर वाली स्केयर का साइड है ए, ब्लू कलर वाली स्केयर का साइड है रूट टू ऑफ ए, वही तो है डायगनल। उसको कट करेंगे तो साइड का रेशियो तो 1:2 ही आएगा, ये चेंज नहीं हो सकता। बट अगर मैं एरिया पूछ लूं तो एरिया ऑफ ए स्केयर क्या होता है, एरिया ऑफ ए स्केयर होता है साइड का स्केयर, इसका स्केयर करेंगे 2 ऑफ ए का स्केयर, ए स्केयर से ए स्केयर कटेगा, तो एरिया की रेशियो 1:2 आएगी। ये बात आप सारे बच्चे याद रखेंगे क्योंकि आने वाले जमाने में ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्केयर के ऊपर चलते हैं, 20 कंसेप्ट नंबर के ऊपर। तो 20 नंबर कंसेप्ट के अंदर यह है कि अगर हमारे पास स्केयर है, पिछला वाला पॉइंट नोट कर लो जिनका मिस हो गया, अगर हमारे पास यहाँ पे एक स्केयर है और यहाँ पे एक सर्कल है जो कि इसके अंदर टच करता जा रहा है, ऐसे थोड़ा बना नहीं हो रहा प्रॉपरली बट मैं ट्राई करता हूँ कि आपको यहाँ पे विजिबल हो जाए, ऐसे है ये हमारे पास है सर्कल, ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि चलो ये तो चलो पॉइंट ठीक है, अगर हमारे पास ए बी सी डी क्या है, स्केयर हो, अगर ये स्केयर है तो बताओ रेडियस किसके बराबर होगा सर्कल का। तो आपको पता है यहाँ पे जो रेडियस नहीं, अगर मैं इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर ले लूँ तो डायमीटर तो ए बी के बराबर है, ये भी तो ए बी के बराबर ही होगा यहाँ से यहाँ तक, चाहे मैं ये वाला ले लूँ जो बी सी के बराबर होगा, बी से लेकर ये यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, तो मैं कह सकता हूं जो हमारे पास यहाँ पे डायमीटर है, डायमीटर है वो मेरा साइड के बराबर होगा, और डायमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो अगर रेडियस पूछूंगा तो क्या हो जाएगा ए बाय टू हो जाएगा। क्या आपको इतनी कहानी समझ आई सबको, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसी के ऊपर है कि एक हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है, एक बार तो सर्कल उसके अंदर है, दूसरी बार सर्कल उसके बाहर है, सर्कल यहाँ पे उसके बाहर है, या फिर ऐसा कह लो एक बार सर्कल के बाहर स्केयर है, एक बार सर्कल के अंदर स्केयर है, और स्केयर वही है ए से लेकर बी और सी डी वाली, और जिसकी साइड ए सेंटीमीटर है, तो इसका यहाँ पे डायमीटर क्या होगा, तो इसका डायमीटर यहाँ पे इसका डायगोनल होगा बी से लेकर डी तक, तो जो इसका डायगोनल आया स्केयर का वो क्या आएगा, उसका सर्कल का डायमीटर के बराबर होगा। डायगोनल ऑफ ए स्केयर क्या होता है, रूट टू इंटू साइड, और यहाँ पे डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर, क्लियर। यहां से अगर मैं आर की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे रूट टू इंटू ए डिवाइड बाय टू, तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आएगी ए बाय रूट टू, क्लियर। तो यहाँ से रेडियस ये निकल गया, यहाँ से रेडियस ये निकल गया, आपको पता चल गया कौन कौन से रेडियस है। और इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास कि एक सर्कल है जिसके अंदर एक स्केयर है जिसके अंदर एक सर्कल है और एक सर्कल उसके बाहर है जो कि वर्टेक्स को टच करता जा रहा है, बाहर वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है, अंदर वाले का स्मॉल आर है, और साइड आपको दे देंगे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर कुछ भी, तो बताओ रेडियस और कैपिटल रेडियस की रेशियो बताओ। आप सारे बच्चे बताओ, छोटा रेडियस तो ये होगा ना साइड डिवाइड बाय टू, और बड़ा रेडियस क्या होगा, साइड डिवाइड बाय रूट टू। तो भाई साइड चाहे 10 हो चाहे 15 हो, ये कट ही जाएगी, और रूट टू से ये वाला रूट टू कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/√2 रेशियो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:√2 आएगा, ये आएगा मेरे पास रेडियस की रेशियो। और अगर आपसे एरिया की रेशियो पूछ लें कि छोटे सर्कल का एरिया और बड़े सर्कल का एरिया, तो एरिया क्या होता है मेरे पास यहाँ पे पाई इंटू आर का स्केयर, और यहाँ पे लिखेंगे पाई इंटू आर का स्केयर,
पाई से पाई कट गया तो हमारे पास यहाँ पे इनका एरिया आएगा 1:2। ये कभी ना चेंज होने वाले फॉर्मेट हैं, तो इन चीजों को सारे के सारे बच्चे याद कर लो, ठीक है। हो सकता है काफी को लगे कि यार कुछ ज्यादा हो रहा है, बेसिक पॉइंट है, समझो जो जो बता रहा हूं ताकि आपका पेपर अच्छे से कवर हो पाए, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। 21 के अंदर ज्यादा नहीं है कुछ, अभी अभी आपका बेसिक पॉइंट ही आएंगे, बट उससे पहले एक स्केयर का लास्ट पॉइंट है। देखो सीडीएस में तो ये हर साल आ रहा है, सीडीएस एसएससी में ये लगभग आपका हर साल आ रहा है। एक मिनट, थोड़ा ठीक ठाक नहीं बना। ये जरूरी नहीं है कि स्केयर हो, ए बी सी, ए बी सी डी इज अननोन, अननोन क्वाड्रिलेटरल, बट उसके अगर अंदर सर्कल ऐसे टच होता निकल गया, सारी की सारी बाउंड्री को टच होना जरूरी है, यहाँ पे टच होना जरूरी है। देयर रिमेंबर दैट ए बी प्लस सी डी मस्ट बी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। ए बी कौन है? ये वाला। और बी सी सी डी कौन है? ये वाला। ओपोजिट साइड का सम हमारे इस ओपोजिट साइड के सम के बराबर होगा जब उसके अंदर सर्कल है, और क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा? क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो, एनी वन, रोम्बस, पैलोग्राम, ट्रॉपीजियम, स्क्वायर, या फिर हमें पता ही नहीं कौन सा, ठीक है। हर एक कंडीशन में ये लगेगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हमारे पास है यहाँ पे पैलोग्राम एंड रोम्बस और एक रेक्टेंगल। तो सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का पॉइंट हमारे पास ऐसा होता है कुछ जिसकी लेंथ ये होगी और ब्रेथ ये होगी, और ये आपस में क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे, बट कहीं ना कहीं जाकर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे नहीं हो रहे, बट अगर मैं इसको थोड़ा कंप्रेस करूंगा कहीं ना कहीं जाके इक्वल हो जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि रेक्टेंगल से स्केयर बनाने की पॉसिबिलिटी है, बट स्केयर से रेक्टेंगल बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, अंडरस्टैंड। और अगर इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है बाउंड्री के ऊपर चलना। यहां से लेकर यहां तक अगर मैं चलूंगा तो इसकी बाउंड्री के ऊपर चलूंगा, यहां से लेकर यहां तक चलेंगे, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, तो यहां पे क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इज द पेरीमीटर। एंड व्हाट इज द एरिया? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होगा? एल इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ द एल इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ द साइड, ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्केयर, स्केयर का पेरीमीटर क्या होगा? फोर इंटू साइड, क्योंकि फोर बार बाउंड्री के ऊपर चलेंगे, ए प्लस ए करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के तीनों आपको पॉइंट जो है वो पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर ए और बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी लिख दूं, ध्यान रखना यहाँ पर कि अगर मैं इसका यहाँ पे डायगोनल बनाऊंगा और ये वाला डायगोनल बनाऊंगा, तो डायगोनल तो है इसके इक्वल, बट आपने ये नहीं ध्यान रखना, आपने ये ध्यान रखना है कि अगर मैं ए सी का स्केयर देखूंगा तो वो होगा मेरे पास यहाँ पर बी सी का स्केयर प्लस ए बी का स्केयर। वाई सो? बिकॉज अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करूंगा तो इसके भी सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री होगा तो ये वाली आपके पास क्या बनेगी? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये अप्रोच लगेगी, तो हम कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? एल का स्केयर प्लस बी का स्केयर का रूट होगा। ये आपको यहाँ पे इतना सा डाटा इसके डायगोनल का पता होना जरूरी है, ठीक है। बाकी सेम कंसेप्ट आपका पीछे वाले फॉर्मेट में लग जाएगा कि अगर इसके अंदर सर्कल हुआ तो बाहर सर्कल हुआ, बट उसका आंसर याद नहीं करना, उसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। मैं एक बार बता ही देता हूँ क्योंकि काफी बच्चों को ये मिस ना हो जाए, बड़ा ही ज्यादा आसान है। अगर हमारे पास यहाँ पे सर्कल हुआ तो इसका जो डायामीटर है वो हमारे इसके बराबर होगा, बी इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ द सर्कल, डायामीटर ऑफ द सर्कल। अगर हमारे पास रेक्टेंगल ये है और सर्कल इसके बाहर ऐसे टच करता निकल जाए ऐसे कुछ, तो जो इसका डायगोनल है, डायगोनल क्या होगा मेरे पास यहाँ पर? जो भी है इसका डायगोनल वो क्या आएगा? वो आएगा डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो ये दोनों कंडीशन में ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एल बी आपकी यहाँ पे चेंज होती रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द स्क्वायर एंड ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द रेक्टेंगल, दैट इज द एरिया। एरिया बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कई बार हमारे पास, जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर एक और मैं ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, पहले एक बार समझा देता हूँ फिर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर की और इसकी लंबाई है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर की। मैंने इसके एक बॉर्डर बना दिया। अब मेरी मर्जी है कि बॉर्डर में बाहर की ओर बनाऊं, ध्यान रखें यहाँ पे मेरी मर्जी है
कि बॉर्डर में बाहर की ओर बनाऊं, जैसे ये वाला है, ये वाला 20 रहेगा, ये वाला 25 रहेगा। तो बॉर्डर बाहर बनाने का मतलब है 5-5 सेंटीमीटर मैंने आगे बढ़ा के एक बॉर्डर ड्रॉ कर दिया। तो 5 सेंटीमीटर इधर बढ़ाएंगे, 5 सेंटीमीटर इधर बढ़ाएंगे, तो बड़े वाली साइड कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। और 5 इधर बढ़ेगा तो 5 इधर बढ़ेगा, ये वाली बड़े वाली साइड कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 30। क्लियर। और मेरी मर्जी है कि मैं इसका बॉर्डर जो है वो अंदर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, बट एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि अंदर को ड्रॉ करना है या बाहर को, एग्जामिनर आपको बताएगा, पूछेगा नहीं बताएगा, ठीक है। सो अगर वो 5 सेंटीमीटर वो अंदर को ड्रॉ करने को बोल दे, तो अंदर को ड्रॉ करने का मतलब है 5 सेंटीमीटर ये गया, 5 सेंटीमीटर ये गया, ये 20 था, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10 बचेगी। फिर ऐसे ही 5 वाला ये चला गया, 5 वाला ये चला गया, तो यहां से लेकर यहां तक कितना बचेगा, 15 ही बचेगा, सिर्फ 15 का 15 डाटा अवेलेबल होगा, ठीक है। सेम डाटा स्केयर के अंदर भी लगेगा, स्केयर के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जैसे रिंग के अंदर था। क्वेश्चन क्या होगा, अगर आपसे पूछ ले कि इसका एरिया बताओ कितना है, तो आप एरिया क्या करोगे, इसका 20 × 25 करेंगे, 500 एरिया आ गया, बात खत्म। बट अगर आपसे इसका एरिया पूछ ले, अब ध्यान रखो ये बाहर की साइड आपके पास ये वाली रिंग है, और आपसे इसका एरिया पूछा रहेगा कि यहाँ पर हमने एक रोड बना दिया, पार्क बना दिया, तो पार्क की पार्क बताओ यहाँ, रोड बना दिया तो रोड बताओ यहाँ पे उसका एरिया क्या होगा। तो रोड का एरिया कैसे निकालेंगे हम भाई, बड़े वाली स्केयर कितनी है यहाँ पर, 35 × 30 माइनस अंदर वाली रेक्टेंगल, बड़े वाली रेक्टेंगल में से अंदर वाली रेक्टेंगल बाहर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रोड आएगा। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, बड़े वाली रेक्टेंगल जो है 20 × 25 माइनस 15 × 10 करेंगे, तो अंदर वाला जो रोड है वो अपने आप ही डिनोटेड होके आ जाएगा या नहीं आएगा बताओ। और अगर अंदर वाली जो पार्क है, अगर पार्क का एरिया पूछ लिया, क्योंकि ये हमारे पास 15 है, तो पार्क का एरिया क्या हो जाएगा, 15 × 10 कर देंगे, तो 15 × 10 हमारा पार्क का एरिया होगा। क्या आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ आए, या तो बॉर्डर अंदर होगा या बाहर होगा, वी हैव टू एक्सपेंड द वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अब इसी बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये रेक्टेंगल्स के ऊपर भी आ जाता है, स्केयर के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, और बिल्कुल इसके इसके मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये 20 है और ये मेरे पास यहाँ पे 25 है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का बिल्कुल इसके बीचों बीच, 5 सेंटीमीटर का बिल्कुल इसके बीचों बीच ऐसे डॉट ड्रॉ हो रहा है, और इसके बीचों बीच यहाँ पे भी ड्रॉ हो रहा है ऐसे 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि रोड का एरिया बताओ, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास बचा हुआ पार्ट है वो पार्क है, तो पार्क का एरिया बताओ, क्लियर। और ये वाली विड्थ आपके पास दे देंगे 5 सेंटीमीटर, और ये आपके पास वैल्यू दे देंगे 5 सेंटीमीटर। हो सकता है पेपर में 5 और 3 या कुछ और वैल्यू भी दे सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर हमने रोड को कैलकुलेट करना है, तो सारे बच्चे ध्यान रखो, पहला पॉइंट तो यही है कि पूरा रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। पूरा रेक्टेंगल का एरिया 25 × 20 रेक्टेंगल का एरिया माइनस, मैं अगर इस रोड को बाहर करूंगा, ध्यान रखें, अगर मैं ये वाला रोड बाहर करूंगा तो ये 5 है, और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है हमारे पास, 25। तो 25 यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, अगर 5 को और ये 25 को मैं एक रेक्टेंगल मान लूं, आप सारे बच्चे समझो ये मेरी रेक्टेंगल ही तो है छोटी, और इसकी साइड है 5 × 25, इसका एरिया अगर मैं बाहर कर दूं, तो आप देखोगे कि यहां पर एरिया बाहर करेंगे किसका, 5 और 25 का माइनस। फिर आप दोबारा से देखो कि यार ये एरिया बाहर होने के बाद, अब मैं इसको एरिया मान लेता हूं कि ये भी तो एक रेक्टेंगल ही है, इधर से इधर ग्रीन कलर के अंदर, ये भी तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल ही है। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसको भी बाहर कर दें, अगर मैं इसको बाहर करूंगा तो इसकी लंबाई कितनी है यहाँ पे, 5, और ये वाली लंबाई कितनी आएगी, ये 20 वाली आएगी यहां से लेकर यहां तक, ये भी रेक्टेंगल है, तो हम इसको बाहर करेंगे माइनस 5 × 20, ये भी होगा, ठीक है। अब सारे बच्चे समझो, ये वाला जो आपके पास है पार्ट, मैं इसको दिखा देता हूँ कौन से कलर रह गया हमारे पास, ये वाला, तो इससे हम यहाँ पे दोबारा से चेक कर लो, ये वाला जो पॉइंट है, आप सारे बच्चे इसको गौर से चेक कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट दो बार नहीं आ गया, एक बार रेड में हो गया, एक बार ग्रीन में, दोनों बार माइनस कर दिया, तो एक बार हमें इसको अलग से ऐड करना पड़ेगा। और इसकी लंबाई है कितनी, ये वाला डब्बा आपके पास है 5 × 5 का, चेक कर लो, 5 ये वाला था, 5 ये वाला, तो ये वाला हमें 5/5 को दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो रोड का एरिया हमारे पास आएगा। इसके बाद आ जाता है मेरे पास यहाँ पे पार्क का एरिया। अब पार्क का एरिया कैसे करेंगे, पार्क को सीधे चेक कर ले, यहाँ पे अगर पार्क को सीधा चेक कर लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 20, उसमें से 5 वाला रोड है बाहर कर दो, ये 5 अगर रोड है वो बाहर कर दिया तो कितना आ गया साइड मेरे पास, 15,
ऐसे ही मेरे पास यहां से लेकर यहां तक कितना है, 25, 25 में से ये वाला 5 बाहर कर दिया तो कितना बच गया 20। तो 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे ही आपके पास पार्क आएगा या नहीं आएगा बताओ। इसमें से ना तो ये वाला रूट हमने लिया क्योंकि ये लेंथ ही हमने जीरो कर दी, ये वाली लेंथ जीरो कर दी, बाकी जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधा आपके पास पार्क आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। सेम क्वेश्चन आता है कहां पे, स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो रेक्टेंगल के क्वेश्चन करवाने बैठेंगे, अभी बहुत से क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन सेट में करेंगे। जैसे यहाँ पर एक आर्क बना दी हमने यहाँ पे, ठीक है, घोड़े को रख लिया, तो ऐसे क्वेश्चन भी होंगे बट वो हम बाद में करेंगे। अभी हम चलते हैं बेसिक पॉइंट के ऊपर, रोम्बस के ऊपर, फिर हम पैरेललोग्राम के ऊपर, फिर ट्रेपेज़ियम और जो भी हमारा पार्ट बचा उसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे रोम्बस के ऊपर। देखो रोम्बस की बात करें तो रोम्बस और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का सिंबल हमारे पास ये है। रोम्बस क्या होता है, जैसे मेरे पास स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर के अंदर ये एंगल क्या होता है, 90-90 डिग्री का होता है। बस यहाँ पे होता तो स्क्वायर ही है रोम्बस, बट यहाँ पे इधर से इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, थोड़ा सा इधर से हाथ लगा के धक्का दे देंगे, तो ये वाला जो रेड कलर का है ना, इसको बोलेंगे हम रोम्बस। थोड़ा सा टेढ़ा होता है और एंगल इसके 90 डिग्री के नहीं होते। हाँ ये बात सही क्या है, सोच रहे हो कि अगर स्क्वायर ही होता है तो सारी साइड बराबर होती है। हाँ भाई ठीक है, ऑल साइड आर इक्वल, बट 90 डिग्री होगा नहीं होगा ये पता नहीं है। क्लियर है? और सर ये पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम भी ऐसे कुछ होता है भैया। पैरेललोग्राम जैसे हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर ये 90-90 डिग्री होता है ये आपको पता है, बट पैरेललोग्राम को भी अगर मैं इधर से थोड़ा सा धक्का दे दूं तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को टेढ़ा कर देंगे, थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे इधर को, तो ये आपस में क्या बन जाएगा, आपस में अपने आप ये पैरेललोग्राम आपका बन जाएगा। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, होता रेक्टेंगल ही है ये। ठीक है, सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, बट बी सी इज इक्वल टू किधर गया, बी सी इक्वल टू ए डी। क्लियर, ये पॉइंट ए डी यहाँ पे हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा पॉइंट ये, 90 डिग्री नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, आप सोच पा रहे हो कि यहाँ पे कि ये वाला, अगर मैं अब मैं आपको रोम्बस के बारे में पढ़ा देता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ये वाला या डायगनल और ये वाला डायगनल दिखने में ही बराबर नहीं लग रहे, इसका प्रूफ तो बाद में करेंगे, दिखने में बराबर नहीं लग रहे, तो मैं डायगनल को डी वन लिख दूंगा, डायगनल को डी टू लिख दूंगा और लिख दूंगा कि यार डायगनल जो है वो बराबर नहीं है, डायगनल आर नॉट इक्वल सेम इन द केस ऑफ रेक्टेंगल। बट रिमेंबर दैट रोम्बस के अंदर जब ये डायगनल इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो आप सारे बच्चे सोच के देखो कि ये यहाँ पे इसको ओ लिख लेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ओ ए बी सी, और जहां पर ये कट होगा ये अपने आप ही जो पूरा डायगनल है ना ए से लेकर सी तक का मान लो डी वन है तो उसको ये हाफ हाफ में कट कर देगा, तो ए से ओ तक क्या हो जाएगा डी वन का टू। ऐसे ही ओ से लेकर बी तक का डाटा क्या हो जाएगा डी टू बाय का टू। और अगर मैं 90 डिग्री के ऑपोजिट देखूंगा तो ये मेरा क्या है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा मेरे पास साइड ऑफ ए क्योंकि सारी साइड बराबर है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो आफ्टर दैट दैट इज ए स्क्वायर, सो वी कैन से डी वन का होल स्क्वायर बाय फोर प्लस डी टू बाय टू का पावर, सॉरी टू नहीं आएगा नीचे फोर आएगा। ठीक है, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फोर ऑफ ए का स्क्वायर दैट इज डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर। क्या सारे बच्चे इस पॉइंट को समझ पाए, ये रिलेशन है जो आपने याद रखना। अब पेपर के अंदर कई बार क्या होता है स्टूडेंट इसको ड्रॉ नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, तो याद ही कर लो, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा ये पता होना चाहिए व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रोम्बस, एरिया ऑफ ए रोम्बस इज हाफ ऑफ द डायगोनल का प्रोडक्ट एंड ऑल्सो इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, मैं आपको यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप सारा नोट कर लेना। अगर मैं बेस यहाँ पे ए बी को रखूंगा, बेस को अगर मैंने यहाँ पर ए से लेकर बी रख लिया, तो हाइट आपके पास वो होती है जो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हाइट मेरे पास यहाँ पर एच वन होगी जिसका नाम मैं यहाँ पे एच वन से रख सकता हूँ। अगर मैंने अपनी मर्जी से ये नहीं सोचा, नहीं सर मैंने ना बेस अभी मैं बी सी को लेना चाहता हूँ, ये वाला बेस लेना चाहता हूँ, तो अगर आप बेस बी सी रखोगे तो हाइट इसकी यहाँ से यहाँ तक गिरेगी, यहाँ पर एच टू दैट इज द हाइट, क्योंकि 90 डिग्री वाली हाइट अलग हो सकती है यहाँ पे,
तो अलग हो सकती है, तो यहाँ पे एच टू के बराबर। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, इसके ऊपर एसएससी वाले क्वेश्चन पूछते हैं, क्लियर है। और अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम की, और एक चीज और रहेगी रोम्बस में, रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, साइड का सम। तो अगर मैं बाउंड्री के ऊपर चलना चाहता हूं तो सारी साइड बराबर है तो 4a होगा, ठीक है। ऐसे ही पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होगा। और पैरेललोग्राम का अगर एरिया पूछ ले तो एरिया क्या होगा, वही जो मैंने ऊपर बताया है, पैरेललोग्राम के ऊपर आपका ये वाला फॉर्मेट आपसे पूछेंगे, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। इसको आप चाहे यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पैरेललोग्राम के अंदर ये पूछेंगे कि इसका एरिया बताओ, तो एरिया क्या होगा इसका, बेस इंटू हाइट। अब कोई बच्चा बोलेगा सर सेम ही होता है, हाँ भैया सेम ही होता है, ठीक है, बेस इंटू हाइट। अगर हम बेस इसका यहाँ से लेकर ए से लेकर बी रखेंगे तो हाइट इसकी यहाँ पे 90 डिग्री होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी इंटू एच वन। और यहां से अगर मैं इसको बेस मान लू बीसी को, तो हाइट इसकी यहां पर ये यह होगी, मैं कह सकता हूं यहां पर कि बीसी इंटू एच टू, क्लियर है। ये फॉर्मूला आप सभी बच्चे याद रखेंगे, क्लियर। इतना सा ही पॉइंट आपने पैरेललोग्राम और रोम्बस के लिए याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट है हमारे पास ट्रपीजियम। तो ट्रपीजियम के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रपीजियम, ट्रपीजियम के अंदर हमारे पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होती है, और ये बाकी जो दो लाइनें बची हैं ये बराबर हो भी सकती हैं, बराबर नहीं भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। बट ये कन्फर्म है कि जो ए बी है वो पैरेलल होना चाहिए सीडी के, ये कन्फर्म है, ठीक है। पैरेलल को सिंबल को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पे सीडी वाली लाइन है, एडी एडी लाइन है, वो हमारे पास सीबी के बराबर हो भी सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती है। बट जब वो यहाँ पे बराबर होगी तो उसको क्या बोल देंगे हम यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रपीजियम। सॉरी इक्विलेटरल कह रहा हूं, इक्विलेटरल नहीं, आइसोसेलस ट्रपीजियम, ठीक है। आइसोसेलस ट्रपीजियम, ये वर्ड जो है काफी बच्चों को नहीं पता होगा, नोट कर लो, आइसोसेलस ट्रपीजियम। कब, जब ये दोनों लाइनें बराबर होंगी। अगर नहीं होंगी तो कोई इश्यू नहीं है, ट्रपीजियम तो तब भी बनेगा ही बनेगा, बात समझ आ रही है। अगर नहीं इक्वल है तब भी नॉर्मल ट्रपीजियम, अगर बराबर होगी तो आइसोसेलस ट्रपीजियम, ठीक है। अगर आइसोसेलस ट्रपीजियम होगा तो इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है कि यहां पर, पहले प्रॉपर्टी को हम बाद में कर लेते हैं, पहले सबसे इसका पेरीमीटर देख लो। पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री के ऊपर चलना, बाउंड्री के ऊपर चलने का मतलब है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब बात कर लेते हैं इसका एरिया, एरिया वेरी मच इंपॉर्टेंट, हाफ ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई बाय द हाइट। सर वेयर इज द हाइट, हाइट इज ऑलवेज टेकन एज द बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, अगर नहीं याद रखोगे गड़बड़ होगी, क्लियर है। ये पॉइंट आप सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे, इतना सा आपको पता होना चाहिए। पेपर में एरिया दे देंगे, साइड दे देंगे, हाइट पूछ लेंगे, हाइट देकर या फिर एक आधी साइड और पूछ लेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, लगेगा यही और नहीं लगेगा कोई, ठीक है। और इसके अलावा आपको डायगोनल वगैरह कोई इसके ऊपर क्वेश्चन सीएपीएफ के लिए ध्यान में रखने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं आने वाला इतना डिटेल में, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, ठीक है। हाँ आइसोसेलस ट्रपीजियम बता रहा था, वो भी इसके पेपर में नहीं आएगा, बट मैं बता देता हूँ आइसोसेलस ट्रपीजियम क्या होता है। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि सर अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री ले लूंगा, यहाँ से 90 डिग्री लिख लूंगा, यहाँ पर एक पॉइंट एम और एन का बना लेंगे, तो क्या सर एम और एन मेरे पास सी डी के बराबर होगा। यार ये जब होता है ना, ये तभी होता है जब मेरे पास ये दोनों के दोनों बराबर हैं, अगर बराबर नहीं है तो ये पक्का नहीं होता हमारे पास, समझ आ रही है बात। आइसोसेलस ट्रपीजियम में बराबर हो सकता है, आइसोसेलस में क्या हो जाएगा एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी के बराबर हो जाएगा, और एन बी जो है वो हमारे पास ए एम के बराबर हो जाएगा। ये आइसोसेलस में होता है, हर एक में नहीं होता, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें, तो ध्यान रखना अगर आप एस एस सी या सी डी एस की तैयारी कर रहे हो। वहां पे तो मैं और भी बताऊंगा, इसके डायगोनल मिला लो, ठीक है, डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसके मिड पॉइंट मिला लो कट करके, एंगल बाइसेक्टर, बहुत कुछ करेंगे वहां पे, बट अभी के लिए इतना, ठीक है। अब ट्रपीजियम का एक पॉइंट और है जो आपके लिए याद करना इंपॉर्टेंट बन जाएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो भी आप सारे बच्चे यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर ए से लेकर बी है और ये मेरे पास यहाँ पे सी से लेकर डी है, ए बी जो है मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है, पैरेलल है किसके, सी डी के, मैं यहाँ पर ना एक मिड पॉइंट बना देता हूँ यहाँ पर, और इस मिड पॉइंट को डिनोट कर लेते हैं ई और एफ से, ई और एफ से। तो यहाँ पर जो ई और एफ है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ ए बी प्लस सी सी डी होगी, ठीक है, ये याद रखना है आपने। और ये आपके पास क्या है मिड पॉइंट, ये क्यों आया, कैसे आया, वो हम सी डी एस के बैच में कवर करेंगे, क्लियर।
और अगर मैं इसके यहाँ पे डायगोनल को मिला दूं ऐसे और यहाँ पे इसके डायगोनल को मिला दूं यहाँ पर ऐसे, तो कहाँ पे कट हो रहे हैं इसको, एम एन के ऊपर। तो एम एन की वैल्यू भी आप सारे बच्चे ध्यान रखें क्या होती है, हाफ ऑफ ई एफ, सॉरी ई एफ नहीं, एम एन इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी। ये पॉइंट भी आप सारे बच्चे याद रखेंगे, व्हाट इज एम एन, दैट इज द लेंथ ऑफ एम एन, क्लियर है। और एम एन और ई एफ की रेशियो भी पूछी जा सकती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फॉर्मूले बहुत है, मुझे भी पता है, मैंने भी फास्ट करवाए हैं, ठीक है, इतनी जल्दी मैंने कभी नहीं करवाए होंगे क्योंकि इसके अंदर बेसिक बहुत है। बेसिक भी हम करेंगे जब सी डी एस का बैच आएगा, सी ए पी एफ वालों ने बेसिक नहीं करने हैं। मैं फिर से कह दूं, सी ए पी एफ वालों को डरने की भी जरूरत नहीं है, जितना मैंने करवाया है इसके फॉर्मूले रट लो। देखो रटने वाली बात है तो मैं सीधा बोलूंगा रट लो, मेंसुरेशन थ्री डी है वो भी रटने वाली बात है, ठीक है। कल मैं लेकर आऊंगा इसके क्वेश्चन आंसर, 15-20 क्वेश्चन होंगे, सिर्फ उन्हीं को करना है। और उसके बाद मेंसुरेशन की एक इंट्रोडक्शन क्लास आएगी, और उसके बाद मेंसुरेशन के 15 या 20 क्वेश्चन आएंगे, बस उतना ही करना है, उसके बाद आपका सी ए पी एफ का कंप्लीट हो जाएगा पैच, ठीक है। सो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।